टुडे विल बी डिस्कस अबाउट ऑफ द सीरीज एंड कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। आज हम लोग इस बात पे जो है निष्कर्ष निकालेंगे, जो सीरीज होता है और पैरेलल होता है, अर्थात समांतर और श्रेणी। समांतर को जो है एक मॉडर्न वर्ड में हिंदी की पार्श्व भी कहा जाता है। तो ये दो तरह से होते हैं। तो जिस प्रकार हम लोग जानते हैं ना कैपेसिटर की परिभाषा क्या होता है, कि क्या बोला जाता है, आवेश तथा विभव के अनुपात को कैपेसिटर कहते हैं। ये तो मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। आईसी को जो है क्या होता है, आप जब कैपेसिटर ना आए तब वहां क्या बोलते हैं, आप चार्ज और विभव के अनुक्रमानुपाती को क्या कहा जाता है, कैपेसिटर कहा जाता है, मीन्स धारिता कहा जाता है। तो बहुत इजी है, तो आप ध्यान देंगे इस बात पे। हम सपोज करते हैं कि तो ये कैपेसिटर तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग। हम प्लेट बनाते हैं, प्लेट, ये एक प्लेट है, सिंपल सा प्लेट जो आप खाते हैं कुछ रखते या रखते हैं, वो प्लेट नहीं, ये प्लेट है। बहुत से ऐसे प्लेट हो सकते हैं। इस प्लेट के वन साइड में हम पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, पॉजिटिव 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 धनात्मक चार्ज, इसमें हम निगेटिव चार्ज। सिमिलरली पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप दो तीन प्लेट में दिखा सकते हैं, यहां तक का इसको दे देते हैं नाम Q1। ये पहला प्लेट हुआ, ये Q2 और ये हो गया Q3। तीन प्लेट हुए, प्लेट चाहे प्लेट कहिए चाहे आप कुछ और भी नाम दे दीजिए। ये प्लेट, फर्स्ट प्लेट का फर्स्ट साइड हम सपोज करते हैं कि पृथ्वी है, उससे कनेक्ट कराते रहे अर्थिंग के लिए, ठीक है, या कोई पाइप है उससे कनेक्ट कराते रहे। तो बताइए कि भाई फर्स्ट प्लेट है ना, ऐसे लिख दीजिए फर्स्ट आपका प्लेट। फर्स्ट प्लेट का प्रथम सिरा किससे कनेक्ट हुआ, पृथ्वी से। फर्स्ट प्लेट का सेकंड सिरा सेकंड प्लेट के फर्स्ट से, ये लैंग्वेज लिखना है। सेकंड प्लेट की सेकंड सिरा थर्ड प्लेट के, थर्ड प्लेट के प्रथम सिरे से, राइट। थर्ड प्लेट की दूसरी सिरा फोर्थ प्लेट के पहले से, राइट। फोर्थ प्लेट की दूसरी सिरा पांचवे प्लेट के पहले से, पांचवे प्लेट की दूसरी सिरा छठवे के पहले से, छठवे की दूसरी सातवें के पहले से, ऐसे बढ़ते जाना है। तो आप तीन लैंग्वेज लिख दीजिएगा बुक में, इसी प्रकार या इसी भांति आगे क्रम जाता है, जिससे जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न न होने पर जो वहां पे आवेश हमारी क्या होगी, सेम सेम होगी, सेम सेम एक समान जैसा होगा, ठीक है। तो ऐसी केस में यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर किसी और चीज से ये कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो हम ये जानते हैं, आप लिख दीजिए किस कौन सा हम पढ़ रहे हैं, सीरीज पढ़ रहे हैं, सीरीज मीन श्रेणी वाला पढ़ रहे हैं। अब इतना ही नहीं समझ में आएगा ना, यस सर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखिए वीनो, जानते हैं कैपेसिटर धारिता के लिए C=Q/V। आईसी को जब आप बैक में जाते हैं इसका डिफिनेशन, तो क्या लिखते हैं, कैपेसिटर का आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं, राइट। आईसी को तो ये मैथमेटिक कॉन्सेप्ट रहा, आई ही वैसे रहता, तो आप ऐसे बोलते हैं आवेश तथा वोल्टेज के अनुपात को, तो यही हटाते हैं तो सी कांस्टेंट आता हमारा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं C=Q देखते हैं, तो ये साइंस के अकॉर्डिंग डिफरेंस हुआ, ये मैथमेटिक के अकॉर्डिंग डिफरेंशन हुआ। तो अब बताइए ये यदि हम पहले प्लेट के लिए चलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि C1=Q/V1। दूसरे के लिए चलेंगे तो सिमिलरली
यहाँ पे V2, यहाँ पे क्यों 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 सेम लिख चल रहा है, बिकॉज चार्ज आवेश चार्ज इज इक्वल, चार्ज इक्वल है, चार्ज इज इक्वल बिकॉज रीजन क्या, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नहीं नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो मोर, है ही नहीं है, सुनिए, देयर इज नो मोर, अधिक नहीं है, है मतलब काम चला हुआ है लेकिन है नहीं है, जैसे होता ना कि आप शॉर्ट लगा दीजिए तो काम कुछ चल सकता है लेकिन परमानेंटली चलेगा नहीं ना, उसी तरह यहाँ पे बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है नो मोर, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे है ही नहीं है, जैसे वैद्युत क्षेत्र जितना होता उतना बढ़ता जाता, जैसे वैद्युत क्षेत्र कम होगा ये प्लेटें हमारी क्या होंगी, कम होगी, आप सिंपल सा सोच सकते हैं, तो बताइए हम तीन प्लेट निकालना है काफी है, प्रथम द्वितीय तृतीय, आप लोग अपना क्वेश्चन बताएंगे रेडी रख पाएंगे, बताइए सम ऑफ ऑल अबव इक्वेशन, यहाँ पे सभी समीकरणों को जोड़ने पर हिंदी तरह लिखेंगे तो यहाँ पर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस डॉट डॉट इक्वल टू सी, सभी को भी लिख सकते हैं ना, सी को क्या है क्यू अपन भी, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं राइट, दूसरी केस मैं ये बताऊं, यहाँ पर आप क्या है तो कैपेसिटर है जैसे ऐड हुआ ना, तो हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, आप यहाँ तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, आप लिख देखिए यहाँ पर सी एल क्यू क्या आ जाएगा क्यू अपन वी वन, यहाँ पे वी टू, वी टू राइट थ्री वी थ्री प्लस डाटा, व्हाट इज द कॉमन, क्यू कॉमन है, चलिए क्यू कॉमन ले लेते हैं, वन बाई वी वन, वन बाई वी टू एंड वन बाई वी थ्री प्लस क्यू से क्यू कैंसिल, ये वोल्टेज के लिए भी हो जाएगा, और यहीं से आप थोड़ा सा दिमाग रखे रहिए, यदि यहीं पर आर टू होता तो क्या होता, कौन सा नियम होता है, ओम से ला होता है, ओम के नियम अनुसार होता है कि नहीं, तो ऐसे सिंपल सा कर सकते हैं ठीक है, और यहाँ पर आप चाहते एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ पे यदि आप चाहते निकालना तो यहाँ पर आप यहाँ पे वोल्टेज है ना, जैसे यहाँ पे ये सी वन सी टू सी थ्री लिखे हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, सी वी इक्वल टू कितना हुआ राइट, सी वी इक्वल टू, तो आप यहाँ पे एक स्योर कीजिए, यदि मान लीजिए हमें ये निकालना है तो क्या करेंगे आप, इससे डिवाइड करेंगे, यानी सी अपान क्यू इक्वल टू वी, तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन जाएगा, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में किसी तरह लगा दीजिए, वी वन वी टू वी थ्री प्लस डॉट डॉट ना, तो यहाँ पे वी वन आ जाएगा, क्या लिखते हैं आप सी वन अपान क्यू, और यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं आप सी टू अपान क्यू, फिर आप क्या लिखते हैं सी थ्री अपान क्यू, ये समझ रहे कहां से हो रहा है, जिस हाई से डिवाइड इन टू कर डिवाइड किया ना उसी इन तीनों इक्वेशनों को कर दो, इन तीनों इक्वेशन को वही वैल्यू आएगा ना, आ यहाँ पर किसके इक्वल टू वी आता ना, फिर वी का मैं लिखते क्या होता आपका, व्हाट इज द कॉमन, वी भी कॉमन, तो वी भी कॉमन करते तब भी क्या, अरे क्यू क्यू कॉमन, तो यहाँ पे सी वन सी टू है कि नहीं, दोनों मेथड समझ में आ गया, चाहे इस पर डायरेक्ट लिखे चाहे इस पर लिखे, तो मेन हमारा यही जो है सीरीज के लिए वोल्टेज निकल गया, बहुत सिंपल है, लैंग्वेज भी लिखना है, माना कि प्रथम प्लेट की प्रथम सिरा पृथ्वी से जुड़ी हुई है, प्रथम प्लेट की दूसरी सिरा तीसरे के पहले से, ऐसे लिख दीजिए, तीसरे की दूसरी सिरा चौथे के पहले से, चौथे की दूसरी पांचवें के पहले से, पांचवें की दूसरी छठवें के पहले से, सुनील एनी डाउट आपको, बोलिए क्वेश्चन, यो क्वेश्चन 11
सेवन सिक्स टू पावर ए इंटू थ्री पावर बी पावर सी ए बी सी ए बी एंड सी ये तीनों तुलनी करना। देखो बाबू जब इस तरह से रहता है ना, यानी यही हिंट मिल जा रहा है कि इसका फैक्टर क्या दीजिए। वन वन सेवन सिक्स का फैक्टर कीजिए, जो फैक्टर आएगा टू दिखने बार आएगा तो टू के पास लिखेंगे, फिर इससे कंपेयर कर देंगे, थ्री वाले से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज यह है आप वन वन सेवन सिक्स का फैक्टर कीजिए और टू कीजिए, टू फाइव जा टेन वन कैरी, इसके आगे ऐसे लिख दीजिए सात से पहले सत्रह हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे टू एट जा सिक्सटीन, फिर एक बचा, फिर इसके आगे ऐसे लिखिए टू एट जा सिक्सटीन, फिर टू कट कर दीजिए टू टू जा फोर वन रिमाइंडर, फिर इसका आगे एट टू नाइन जा इतना ही टू फोर जा श्योर है। फिर क्या लिखेंगे टू से टू टू जा फोर आ यहाँ पर टू फोर जा एट वन रिमाइंडर सेवन। सोचिए ये किससे कट सकता है, कटने की उम्मीद किससे लग रहा है, सीरीज कट सकता है हाँ, थ्री काटिए थ्री कट जाएगा थ्री एट जा ट्वेंटी फोर नहीं कटेगा, और यदि सेवन से काट रहे हैं तो सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन फिर थ्री बचेगा, तो थ्री बचेगा फिर थ्री इसका इक्कीस सैंतीस हो जाएगा, कटेगा नहीं श्योर है। तो देखिए ऐसे में फिर उसका फैक्टर करिए, फैक्टर है पॉसिबल है थ्री से थ्री से थ्री फोर जा ट्वेल्व और थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन थ्री सेवन से राइट। तो देखिए टू कितने बार आया है वन टू थ्री ना, ऐसे लिख दीजिए टू के पावर थ्री, थ्री कितने टाइम है वन टाइम, सेवन कितने टाइम है टू टाइम, तो टू पावर ए फिर इतना साइलेंट कर दीजिए। तो देखिए यहां से कितना कंपेयर कीजिए कंपेरिजन ऑन बोथ वीडियो अपलोड करना है साइड ए इक्वल टू थ्री बी इक्वल टू वन एंड सी इक्वल टू टू, ये आंसर होगा श्योर। सर लेकिन आप गाना डालेंगे ना तो ठीक दिखाई देगा, लिखा पेपर वाले सुनील भाई सोच सोच के बोलते रहते ये नहीं है साइंस, जब गाना डालना ना तो बी ए कीजिए वो भी है सर हाँ वो ठीक है। चलिए ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पे कैपेसिटरों को मैंने योग कर लिया न्यूमेरिकल में मिलेगा, बहुत से ऐसे कहीं कहीं कहेगा सम ऑफ द ऑल कैपेसिटर देयर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ऑब्लिक चार्ज ऐसे पूछ लेगा कितना होगा, और यहाँ पे कहा गया विभव पाथ पर जो इसकी क्रमशः वी वन वी टू वी थ्री डॉट डॉट यन तक है, और जब यन तक है तो उसका मेन क्या होगा, तो ये आपको जानने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे इफ वी वन वी टू एंड वी थ्री आर वोल्टेज या पोटेंशियल, ऐसे लिख लीजिए पोटेंशियल वी वन वी टू वी थ्री आर पोटेंशियल इन मीडियम पाथ, यानी विभव पाथ, विभव पाथ। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे v इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस डॉट डॉट राइट, यहीं से हम v की वैल्यू निकालना तो क्या जाएगा, देखिए q अपान क्यू अपान सी, वी वन का निकालेंगे तो बोलते जाइए ऐसे
फिर नाउ डॉट एल तक पहुंच जाइए तो हावेस तो वहां पे भी वही रहेगा ना। नाउ व्हाट इज कॉमा क्यू क्यू वन बाई सी वन एंड वन बाई एंड वन बाई डॉट डॉट did this cancel it means 1 by c1 and 1 by c2 aise data kar de se yadi yahan pe c3 mein chhod diya to galat hoga nahi matlab aise dikhaya gaya na data mein wo aa jayega ab sochiye kahin ke note mein aata hai only given that two capacitor to two capacitor mein rahega to kya jayega dekhiye dhyan se c equal to 1 by c equal to 1 by c1 plus 1 by c2 तो क्या करेंगे आप इसका इंटू कर लीजिए c2 टू प्लस सी वन अपान सी वन एंड सी टू दिस इतना हुआ yes. अब इसका सी फोकस कीजिए तो सी वन सी टू और सी वन प्लस सी टू ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक नंबर में या दो नंबर में प्रूव कीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ द कैपेसिटर यानी इन धारिताओं का गुणनफल धारिताओं का गुणनफल तथा धारिताओं के योगफल के अनुपात को श्रेणी क्रम में होता है। सिद्ध कीजिए धारिताओं का गुणनफल तथा धारिताओं का योगफल श्रेणी क्रम में होता है yes. एक नंबर में प्रूफ करने के लिए यही ना तो आप लिखेंगे माना कि सी वन सी टू धारिता है जो प्रश्नानुसार किसमें दिए गए हैं श्रेणी क्रम में दिए गए हैं अतः श्रेणी क्रम के लिए हम जानते हैं 1 बाई टू वन बाई सी वन वन बाई सी टू क्रॉसिंग टू कर देंगे फिर देखिए ये देखिए गुणनफल हुआ ये हुआ योगफल आई अनुपात मतलब बटे हो गया सटीक समझ रहे हैं बोलिए बाबू क्वेश्चन आप गिम्मी ये जो है इन्फिनिटी तक तो इन्फिनिटी तक ये हो गया ना ऐसे है का है सी एन सी एन सी एन क्या दशा है एट लास्ट 25 इन्फिनिटी भी डाल सकते हैं जैसे ये लास्ट आप इन्फिनिटी डाल सकते हैं ना सी एन इज द डिफाइन टू डेट हाँ जी 25 इज द वेरी इजी आपको इसको दम दम लगाना चाहिए सब भूल गए क्या जी एट में भी बहुत दबा पड़े थे ऐसे ना क्या करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसका इसमें इंटू करेंगे वही आएगा 156 होगा अब इसका फैक्टर करें फिर क्या करने पे माइनस करने कितना आ जाए वन आए तो टू स्क्वायर है टू से जा 14 टू एट जा 16 फिर टू से टू थ्री या 6 टू नाइन जा 18 हाँ थ्री से थ्री इतना हो गया राइट तो देखिए इसी में आपस में ऊपर नीचे बीच से सेट करते हैं मान लीजिए आप ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे 13 दुना 26 आ 2 दुना 4 तो 26 में 4 जा कितना होगा आपका 26 में 4 जा 22 लेकिन हमें लाना 1 तो फिर सोचोगे आप अरे अल्लाह ऐसे कर लेते हैं 2 जा 4 3 जा 12 12 में 13 से इंटू के इतना आ जाएगा अरे यार 13 में से 12 माइनस कर दो 1 आ जाएगा आप ऐसे सोचो नहीं आ रहा था उससे डायरेक्ट यहाँ तो मिल ही जा रहा है ऐसे नहीं सोचो समझ पा रहा है तो आप ऊपर नीचे कहीं से करके ऐसे सोचिए राइट तो देखिए एक्स स्क्वायर ये आप इतना तैयार कर लीजिए कि IIT के मेन एडवांस में ये सब क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड में माइंड में सॉल्व होना चाहिए 2 सेकंड में हाँ 2 सेकंड में हो गया अरे भाई इतना कवर करने पर ना इसी का फैक्टर कर लेते हैं 156 13 12 जा हाँ 156 हो जा रहा है और माइनस कर दूंगा यानी इसका आंसर क्या आएगा यदि पूरा सॉल्व करो तो 13 12 आएगा भाई फैक्टर से पता कर लेते हैं आप क्या लिखेंगे आप 13 - 12 IX 15 क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 13x माइनस माइनस प्लस 12x माइनस 156 नाउ व्हाट इज कॉमन एक्स इज कॉमन
उसके बाद बताइए क्या कॉमन ले सकते हैं, 12 फिर x 12 या दोनों से होता तो एक बार लिखते हैं और इसके यानी कॉमन ले लेते हैं और ये बाहर वाला, एनी डाउट? अब यहीं से आईआईटी पे क्या था, 13 हो जाता है, ट्रांसफर कर देते -12 हो जाता, ये नोट कर लीजिए आप जल्दी, और आप इस पे क्वेश्चन से नोट कीजिएगा लगाइए। देखिए आप यहाँ पर डिस्कस होगा किस चीज का, ये गधा कहीं की, अपने घर का कोई सामान भी उठाते नहीं क्या जी, हाँ वीआईपी नहीं बनना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। देखिए हमने किस चीज का बताया गया कि यदि ऐसे कई प्लेट हैं पैरेलल में हम लोग चल रहे हैं राइट, तो जब पैरेलल में चलेंगे ऐसे ऐसे, देखिए पहले प्लेट की पहली सिरा जी सर, लिसन सुनो, हाँ सर देखो पहले प्लेट की पहली सिरा, दूसरे प्लेट की पहली सिरा, तीसरे प्लेट की पहली सिरा, यानी जितने प्लेट रहेंगे उन सब का पहला सिरा पहले बिंदु से जुड़ा रहेगा, पहले प्लेट की दूसरी सिरा, दूसरे प्लेट की दूसरी सिरा, तीसरे प्लेट की दूसरी सिरा दूसरे बिंदु से, हाँ तीसरा बिंदु का तीसरा प्लेट का दूसरी सिरा इसी साइड है ना, ठीक। इसको फिर वही लैंग्वेज में, वही ऐसे लैंग्वेज में लिखा जाता है, माना कि प्रथम प्लेट की पहली सिरा, द्वितीय प्लेट की पहली सिरा, तृतीय प्लेट की पहली सिरा पहले बिंदु से जुड़े होते हैं, बिंदु डाल दीजिए, पहले प्लेट की दूसरी सिरा, दूसरे प्लेट की दूसरी सिरा, तीसरे प्लेट की दूसरी सिरा दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, तो ऐसे में वो क्या होते हैं हमारे पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं पैरेलल, है पैरेलल का सिंबल भी होता है पैरेलल समांतर, इंक डाले ना ये समांतर में होते हैं। तो देखिए समांतर में तो ये हम जानते हैं ना वी नो डेट, हम जानते हो व्हाट वी नो कैपेसिटर सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी राइट। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वहां पे मान लीजिए सपोज कीजिए चार्ज प्लस माइनस पे है रहेगा ना, प्लस माइनस दोनों ये दोनों चार्ज रहेंगे प्लस माइनस पे, क्यू वन प्लस रहेगा माइनस रहेगा क्यू टू, हाँ